तो आज इस ब्लॉग में दोस्तों हम दिखाने वाले हैं एक लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप के अंदर ट्रांसफ़र करना है डाटा, क्योंकि इसकी जो SSD है वो हम इस दूसरे कंप्यूटर में डाल देंगे। तो ये हमारे कलाकार हैं नवजोत सिंह जी, ये एडवोकेट हैं बाई प्रोफेशन, तो ये काफ़ी सारे काम कर लेते हैं। ये देखिए इसको खोल रहे हैं, ये इन्होंने निकाल दी है SSD, निकाली शायद ये SSD है नवजोत जी, ये हार्ड डिस्क है जी, 1 TB की। ये 1 TB की हार्ड डिस्क है जी, ये 1 TB की हार्ड डिस्क उधर से निकाल के इसमें लगानी है। ये काफ़ी महंगी आती है, ये 4-5 हज़ार रुपये की होती है। ये बस इतना सा काम करना है हमें, हार्ड डिस्क लगानी, इसकी SSD लगानी निकालनी है इसकी SSD निकालेंगे वो भी, और उसमें लगा देंगे। तो इसका SSD निकालने वाला काम ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है, क्योंकि तो इसमें क्या थोड़ा प्लग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है मुझे लगता है। और ये यहाँ पे जो मिट्टी विट्टी आ गई है इसको हम फूंक मार के उड़ा सकते हैं, फूक मार के उड़ा सकते हैं, या ब्लोर हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ओके, ऐसे आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा ज़्यादा इसको खोलने के बाद ही क्लीनिंग करवाइए, क्योंकि रैम हीट हो सकती है अगर इसमें डस्ट वगैरह चली जाए तो। ठीक है, चलो स्टार्ट ही नहीं, ठीक है ठीक है। काफ़ी सारे नट हैं तो आपको पता लगेगा कि कौन सा नट कहाँ पे लगाना है, कैसे कैसे इसको यूज़ करना ये है। जो बाहर वाले नट हैं सारे सेम ही होते हैं जी। अच्छा, कितने नट होंगे ये? तो 15-20 नट मुझे लग रहे हैं ये सारे। नहीं सर, काउंटिंग करके देखें तो 12 है। और ये CA का लोगो अलग से लगवाया होगा आपने? हाँ जी, ये बस अब कुछ दिनों का मेहमान है, कुछ दिनों का मेहमान है, इसके बाद हम दूसरा नया लैपटॉप हमारा जो आ रहा है उसके ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। चलो खोलिए इसको आप। एक ये स्केल उठाया इन्होंने, पता नहीं इससे क्या करने वाले हैं। i3 प्रोसेसर है, ध्यान ध्यान से ध्यान से, ज़्यादा धक्का करेंगे तो टूट भी सकता है, प्लीज़ बी केयरफुल। ये तो इसका DVD राइटर हो गया, ये इसका ढक्कन उठा दिया इन्होंने। ये देखिए, तो इसका DVD राइटर या तो हम खोल दें या इसको हम यहाँ पकड़ लें, पकड़ सकते हैं, मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ उसको, छोड़ दो। तो यहाँ पे इसकी हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये भी इसमें कोई, ये दोस्तों SSD है, ये वाली हार्ड डिस्क है जो ये सॉकेट स्लॉट ऐसे करके इसका नाम है डिस्क, ये इसको खोल के हम यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा देंगे 1 GB वाली, जो हमने ये निकाली थी अभी, और ये वाली दूसरे लैपटॉप पे लगा देंगे जहाँ पे ये खोली थी। ये निकल गई है हमारी SSD, तो इसको हम केस से बाहर निकाल देते हैं, इसके अंदर लगेगी हमारी हार्ड डिस्क। ये केस को बहुत ही ध्यान से खोलना है, क्योंकि अगर ये लॉक एक बार टूट गए आपको नया लेना पड़ेगा केस पूरा, और छोटे छोटे चीज़ों का खर्चा बहुत लगता है। SSD, ये हमारी SSD है 240 GB की, क्योंकि SSD के बाद में बोलते हैं कि सिस्टम थोड़ा अच्छा चलने लग जाता है। ये इन्होंने 1 TB की हार्ड डिस्क उस केस में डाल दी है जहाँ से SSD निकाली थी। ऑलमोस्ट मुझे लगता है काम इसका रेडी हो गया है, और इसको यहाँ पे वापस, यहाँ पे हमें जब ध्यान से इसमें इंसर्ट करना है, छोटा साइड छोटी में होना चाहिए, थोड़ा बड़ी वाली में पूरी है, उल्टा हो रहा है। तो दोस्तों हमने इसे उल्टा लगा दिया, उल्टा लगा दिया है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी साइड है एक बड़ी है। ये केस तो बहुत ही नाजुक सा फील हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, क्या ये सही है? ये कपड़े का सिक्योरिटी के लिए होता है सिर्फ। अच्छा, तो ये लगाना तो जरूरी होता है हमें, ये लगाना जरूरी होता
एक तरह से टेप वगैरह भी इसमें पकड़ लेती है इसे ना, क्योंकि इससे हीट वगैरह नहीं होता अगर सर्किट वगैरह हो जाए तो। ये हमारा पुराने वाला है जिसमें हम SSD डालेंगे, और इस SSD यहाँ से निकाली थी इसमें अब हार्ड डिस्क हम लगा देंगे। तो हमें इस तरह से इसके अंदर लगाना है इसे, बस लगी, बस ये लग चुकी है। अब ये देखिए कितना यहाँ पे सामान होता है, हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, हम इसको सिर्फ अभी वापस से बंद कर देंगे। काफ़ी डस्ट है देखिए, रैम इनबिल्ट होती होगी इसमें, अब इसको यहाँ पे देखो क्लोज कर रहे हैं, बस ये सारे नट लगा देंगे जितने भी ये निकले थे 14-15 नट, और उसके बाद में हम इसको इस SSD को इस लैपटॉप में लगाते हैं। चलो तो इसे हम इंसर्ट कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि छोटा ही सा स्लॉट है एक बड़ा है, तो हमें इसके हिसाब से इंसर्ट करना है। ये SSD लग गई है दोस्तों पुराने वाले में, जहाँ पे हमने हार्ड डिस्क निकाली थी। इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं खोलना पड़ा हमें, लैपटॉप पे निकाल के बैटरी डाल के और ऑन करके एक बार देख लेंगे हम। बैटरी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, उधर बत्ती जल रही है चार्जिंग वाली, और इसको हमने एक बार लॉक नहीं किया अभी तक, नट नहीं लगाया है, एक बार ऑन करके देख रहे हैं कि एक बार ऑन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हार्ड डिस्क इसने उठा लिया या नहीं उठाई है। ये देखिए ये वाला हमारा SSD वाला सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। यार ये वीडियो किस चैनल पर डलेगी आपको पता है? सभी पे ट्रैकर बनाओ, कॉपीराइट ऐसे कर सकते हो। विंडो हमें दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ सकती है, इसने विंडो पहले उठा ली है। ये वाला तो देखिए दोस्तों चल चुका है, 1203 लगाएंगे शायद इसका। और ये वाला सिस्टम जिसमें हमने SSD डाली थी अभी भी लोड ले रहा है, अपडेटिंग योर सिस्टम, मे भी हो सकता है कुछ टाइम ले, लेकिन हो सकता है ये हमारे से विंडो अपडेट का भी मांग ले कि आप विंडो अपडेट कीजिए। और ये देखिए चार्टर्ड वाला अपडेट हो गया है, ये गेटिंग विंडो रेडी, डोंट रन योर कंप्यूटर ऑफ। तो ये वाला ऑन हो रहा है दोस्तों, तो इसकी हम नट वगैरह लाल के इसको पेस्ट कर देते हैं। आपको ध्यान रखना कि इसके अंदर स्पेस ना हो क्योंकि डस्ट अंदर चल जाती है। ये देखिए यस ऑन हो चुका है, समथिंग हैपन एट योर पिन, इट इज नॉट अवेलेबल, स्किप सेटअप माई पिन। अगर अपना पिन बना लीजिए जस्ट ए मोमेंट, ये तो चल गया और ये भी चल गया। मतलब इस तरह से हमने इस सिस्टम में हार्ड डिस्क निकाल करके इस सिस्टम में लगा दी, और इस सिस्टम की SSD निकाल के हमने इसमें लगा दी, बिल्कुल ही आसान स्टेप में आपको दिखाया। आशा करते हैं ये आपको वीडियो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव लगेगी और आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।